बज गया बिगुल, बिछ गई चुनावी बिसात, किसका बजेगा डंका, किसकी होगी मात। आप देखेंगे झारखंड विधानसभा से जुड़ी हर चर्चा और नतीजे आरपी भारत के साथ। आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। गिरिडीह है, ब्रजगढ़ में सील हुआ ईवीएम, 23 को होगी मतों की गिनती। बाजार समिति में सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था। गिरिडीह जिले के 5 विधानसभा गिरिडीह, गांडे, बगोदर, जमुआ, डुमरी में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराकर सभी मतदान कर्मी वापस लौट गए थे। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मतदान संपन्न कराकर आज कई मतदान कर्मी वापस लौट गए। कड़ी सुरक्षा के बीच पंचम्बा स्थित बाजार समिति में सभी ईवीएम को सील कर दिया गया। डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने ब्रज ग्रह का निरीक्षण कर सभी अधिकारियों व कर्मियों को कई दिशा निर्देश दिए। इस बाबत उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने बताया कि सभी 5 विधानसभा क्षेत्रों के साथ धनवार विधानसभा क्षेत्र के मतों की गिनती 23 दिसंबर को की जाएगी। बताया कि ब्रज ग्रह में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। गिरिडीह से संतोष तिवारी की रिपोर्ट। विधानसभा क्षेत्रों का निर्वाचन कार्य कल सफलतापूर्वक संपादित हो चुका है और उसके बाद से ही सभी 5 विधानसभाओं की पोलिंग पार्टी लगातार यहाँ पचम्बा स्थित बाजार समिति में अपने ईवीएम और सामग्री को जमा करवा रहे हैं। आज सवेरे तक बगोदर विधानसभा तथा गांडे विधानसभा की पूरी सीलिंग, स्ट्रांग रूम की सीलिंग तथा स्क्रूटनी कंप्लीट हो चुकी है। जमुआ विधानसभा की भी सीलिंग कंप्लीट हो चुकी है और उनकी स्क्रूटनी अभी वर्तमान में चल रही है। जैसे तो हम देख सकते हैं कि गिरिडीह विधानसभा के भी रिसीविंग का कार्य 95% पूरा हो चुका है। जैसे ही उनके रिसीविंग का कार्य होता है, सीलिंग की कार्रवाई प्रारंभ हो जाएगी और उसके बाद ही ऑब्जर्वर सर के अनुसार उनकी स्क्रूटनी हो जाएगी। उससे सबसे पीछे 33 डुबरी विधानसभा के भी सभी पॉलिटिकल पार्टीज पहुंच चुके हैं, उनकी भी आधी से अधिक रिसीविंग हो चुकी है और उनका भी जैसे रिसीविंग समाप्त होता है उसी तरह से स्ट्रांग की सीलिंग और स्क्रूटनी का कार्य आगे बढ़ जाएगा। जिले के सभी 2,393 पोलिंग स्टेशन के पोलिंग मटीरियल और ईवीएम मशीन सभी यहीं विधानसभा वाइज बनाए गए स्ट्रांग रूम्स में रखे जा रहे हैं और 23 तारीख तक इसी प्रकार स्ट्रांग रूम में रखेंगे और 23 तारीख को यहीं पर उनकी काउंटिंग कराई जाएगी। सभी 612 पोलिंग स्टेशन जो कि B+1 वाले थे, उन सभी के ईवीएम्स को भी यहां लाकर जमा करवाया जा रहा है। इंटरमीडिएट स्ट्रांग रूम्स में एक रात पहले इनके ईवीएम मशीन रखे गए थे सेती और सवेरे वहां से सभी पोलिंग पार्टी अपने मशीन को लेकर यहां हाजिर हो गए।